गरीबों का नेता, मजदूरों का नेता, युवाओं का नेता सिर्फ इस देश में एक है, वो है नरेंद्र मोदी, और आने वाली 23 तारीख को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की बात की वो कहाँ गई? पहले बार तो उनके पे FIR दर्ज होना चाहिए था, जनता कराना चाहिए जनता को करने का तो इनका कोई मुंह ही नहीं है। एक ऐसी औरत को आपने भोपाल में देखा होगा कि एक टिकट दिया, जो पीला पीला तो कपड़ा पहनती है लेकिन वो कहीं से भी उन कपड़ों के सर्वथा अयोग्य है, और वो राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जनता जब कहती है हमको भूख लगी, हम तुम मैं कहता हूँ गोडसे बहुत बढ़िया गोली चलाता था, उसने महात्मा गांधी को गोली मारी, क्या उसके पहले किसी अंग्रेज को एक चांटा मारा? क्या उसके पहले किसी को भी उन्होंने दिखाया? जब उनको मारने की बारी आई तो महात्मा को मार दिया, और आज आज इनके जो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक तिवारी। मतदान जबकि संपन्नता की ओर है, ये 2019 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया, किस आधार पर लड़ा गया, जनता ने इसको कैसे लिया, किस आधार पर वोटिंग हुई, ये सब जानेंगे राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा, क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दा रहित था, यानी इशूलेस। तो क्या ये लोग भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दा रहित था? राजनीति के स्तर पर लगातार बात हो रही है कि राजनीति का स्तर गिरा है, तो राजनेताओं को क्या लगता है कि क्या वास्तव में राजनीति का स्तर गिरा है वो, या बरकरार रखने की उसको कोशिश हुई है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं और जानेंगे कि क्या हालात है इस समय, जबकि मतदान लगभग अपनी संपन्नता की ओर है, 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। ये हमारा खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा, जो कि रीवा के शिल्पी प्लाजा इलाके के एक चौराहे पर हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कविता पांडे, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। तो मैं क्या लगता है दीदी आपको कि किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया और क्या वो मुद्दे सही जनता तक पहुँच पाए हैं? जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आएगा, और उन्होंने आपको याद होगा स्मार्ट सिटी की बात की थी कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस टाइप के जो मेन मुद्दे थे 5 साल, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो जब अब ये चुनाव आया तो जनता जब उनसे सवाल मांगने बोलने लगी कि आप हमको जवाब दो, तो आप ये देखिए कि इस बार के चुनाव में जो मेन मुद्दे थे, ना तो ये काला धन की बात कर रहे थे कि काला धन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाए तो क्यों नहीं लाए, इस तरह के किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे तो यदि हम यहाँ बात करते थे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है, 50% लोग बेरोजगार हो गए 2014 के बाद, तो जब हम बेरोजगारी की बात करते थे तो ये प्रशांत महासागर की बात करते थे। आपको क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा बेरोजगारी था? इस बार का मुद्दा वो था जो 2014 में वादा किया गया था, और इस बार क्योंकि वोटिंग हुई है राष्ट्रवाद पर, वोटिंग हुई है शहीदों के नाम पर, और वोटिंग हुई है हिंदू मुस्लिम पर, तमाम तरह की बातें, तो क्या आपको लगता है कि आप विपक्ष के तौर पर अपनी बातें रख पाई हैं जनता के बीच, या राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा? भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है। आप आम जनता को जितना भोला समझते हो, राष्ट्रवाद आपको ऐसा लग रहा था क्रिकेट का जो मैदान है वो अपनी पिच पर खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता उनको अपनी पिच पर खिलाएगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि आप याद कीजिए कि जो मुद्दे थे जिन पर 5 साल में इन्होंने काम किया, ये राष्ट्रवाद की बात करते, राष्ट्रवाद पर बात करने का तो इनका कोई मुँह ही नहीं है। एक ऐसी औरत को आपने भोपाल में देखा होगा कि एक टिकट दिया, जो पीला पीला तो कपड़ा पहनती है लेकिन वो कहीं से भी उन कपड़ों के सर्वथा अयोग्य है, और वो राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद की बात करते। जनता जब कहती है हमको भूख लगी, हम बेरोजगार हैं, तो ये कहते हैं पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो। 1971 याद कीजिए, इंदिरा जी ने जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 91,000 सैनिकों का अस्त्र शस्त्र रखवाया था, पाकिस्तान के छाती पर लात धर कर 2 पहाड़ा किया था, तो आप याद कीजिए राष्ट्र, हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी है, ये छद्म राष्ट्रवादी। जी सर, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, दीदी का कहना है, कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष, उनका कहना है कि छद्म राष्ट्रवाद और एक अपनी पिच पर खिलाने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस पूरे चुनाव में, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना नियत है। कांग्रेस के लोग आरोप और प्रत्यारोप से 50 साल तक इस देश में राज किया है और वही अब भी कर रहे हैं। वो जो मोदी जी का 5 साल का स्वर्णिम भारत का कार्यकाल रहा,
उसको आप देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हम नहरों पे पानी पहुंचाने का बात करें, आज भारत जो सशक्त भारत के रूप में दिख रहा है वो 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दिख रहा है। आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रीवा जिले की बात करें, रीवा जिले में हमने 40,835 ऐसे गरीब, ऐसे मजदूर, ऐसे निरीह व्यक्ति को हमने पक्के मकान बना करके दिए हैं, जिनके पास छत नहीं थी। जब बारिश होती थी तो उनका कभी खटिया इधर से उधर खसकाता था, आज उनको पक्का मकान मिला। आज उनको सम्मान की जिंदगी अगर किसी ने दिया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उज्ज्वला योजना में हमारी दीदी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की वो नेता हैं, आज मोदी जी ने जो महिलाओं का सम्मान मोदी जी ने किया, क्या इनके कार्यकाल में नहीं हो सकता था? इंदिरा जी नहीं कर सकती थी, जवाहर जी नहीं कर सकते थे, राजीव गांधी जी नहीं कर सकते थे? 121,938, ध्यान रखिएगा, 121,938 इस रीवा जिले में हमने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को हमने गैस बांटा है। इनके कार्यकाल में हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री हुए, हमारे मुख्यमंत्री जब हुए शिवराज जी, तब रीवा जिले का सिंचाई का रकबा था तिवारी जी मात्र 50,000 हेक्टेयर। आज 15 सालों बाद सिंचाई का रकबा हुआ है 2,10,000 हेक्टेयर। तो जो हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उस ग्राउंड लेवल पर हम वोट मांग रहे हैं। अब मुझे विश्वास है जो 23 तारीख की जब परिणाम आएगा, ये पूरा भारत मोदीमय हो जाएगा। आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी अपने पिच पर खिला रही है, राष्ट्रवाद का नाम लेकर वोट मांग रही है, लेकिन ये भी तो सही है कि उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं आई, ये भी तो सही है कि गरीबों को छत मिला। बहुत सही आपने प्रश्न उठाया, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छे समय पर आपने चाय पे चर्चा बुलाई। विकास पहले तो कहते किसको है, आपको सब पता है कि देश जब आज़ाद हुआ 1947 में तो कितनी ऐसी पंचायतें थीं जहाँ पे उन पंचायतों पे समुचित व्यवस्था थी, समुचित व्यवस्था नहीं थी। आपको मैं बताऊं, अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई 1980 में, तो उन्होंने एक संकल्प पारित किया सदन पे। आज का वो सदन आज का संकल्प नहीं है कि 2022 तक इस पूरे भारत देश में, तब की योजना थी कि पूरे भारत देश में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पक्के मकान मिलेंगे। अब मैं इनसे कहता हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, यदि यही प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, यदि यही उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, एक भी नया नाम 2011 के जो सर्वे में मनमोहन सिंह जी जो कराए थे, यदि उसके अलावा यदि एक नया नाम ये दे दें, मैं चैलेंज करता हूं इनको भी और इनके पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, मैं अपना इस्तीफा दूंगा और अपने लोगों से कहूंगा कि इस्तीफा दे दो। क्योंकि बात हो रही है सच और झूठ की, हमेशा भारतीय जनता पार्टी देखो झूठ के दम पर राजनीति करती है, सत्य से इनका कहीं दूर दूर तक, ना ये सत्य बोलते ना सत्य पे काम करते। ये जब इनसे कुछ पूछोगे तो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, काहे का राष्ट्रवाद, ये बताएं कि राष्ट्र, तुम, मैं कहता हूँ गोडसे बहुत बढ़िया गोली चलाता था, उसने महात्मा गांधी को गोली मारी, क्या उसके पहले किसी अंग्रेज को एक चांटा मारा, क्या उसके पहले किसी को भी उन्होंने दिखाया? जब उनको मारने की बारी आई तो महात्मा ही को मार दिया। और आज इनके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सांसद के प्रत्याशी, वो कहते हैं कि गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पहले ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गोडसे के कितने समर्थक हैं और महात्मा गांधी कितने समर्थक हैं, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी का है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ये राष्ट्रपिता अपना गोडसे को कहते हैं, पहले यह तय करें कि राष्ट्रवाद है क्या, इनसे पूछिए। आप लोग राष्ट्रवाद की, दो बातें हैं, पहली बात तो ये कि जो सूची बनी प्रधानमंत्री आवास की, वो मनमोहन सिंह सरकार की 2011 की बनी हुई सूची है। दूसरी बात राष्ट्रवाद की है तो नाथूराम गोडसे, हालांकि प्रधानमंत्री ने इसका कंडम किया है, इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि माफ़ी नहीं दी जा सकती, फिर भी आप बताइए कि गोडसे की क्या भूमिका है आपकी पार्टी? देखिए, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइकान मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। और महात्मा गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया, वो पूरा राष्ट्र उसका ऋणी है। रही बात 2011 की जो सर्वे की बात आप कर रहे हैं, एक ठे कहावत है, चूँकि हम बघेलखंड में खड़े हैं तो सुपबा बोला तो बोला चलनिया का बोला है, जेके सौठ छेद हैं। अरे हमें कहते हैं कि इनकी सूची 2011 की बनी थी, तो उस समय इनका प्रधानमंत्री कौन था? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर माननीय मनमोहन सिंह जी थे।
तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में वो आवास क्यों नहीं बना, वो पक्के मकान क्यों नहीं मिले, वो उज्ज्वला योजना में बहनों को लाभ क्यों नहीं मिला, क्या उस समय उनको ध्यान नहीं आया? आज जब मोदी जी ने काम करके दिखाया, जब मकान दे करके दिखा, मैं आपके साथ बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि इस पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने 10 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। अरे इनके कार्यकाल में भी तो हो सकता था, इनके कार्यकाल में भी तो उज्ज्वला योजना बन सकती थी। आज़ादी के 60 साल तक इनका राज रहा, इस रीवा जिले में 50,000 हेक्टेयर माँ सिंचाई के संसाधन थे और हमने 15 साल में 2,10,000 हेक्टेयर सिंचाई के संसाधन कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या है कि कांग्रेस की नीति ही है, नीति और नियत दोनों में खोट है। इनका ये है कि आरोप और प्रत्यारोप लगा करके, विषय को भटका करके, इधर की बात उधर से करके, हम झूठा श्रेय ले करके और हम देश को बरगलाएं। पर इस भारतवर्ष की जनता जान चुकी है कि भारतवर्ष का आइकन, भारतवर्ष का नेता, गरीबों का नेता, मजदूरों का नेता, युवाओं का नेता सिर्फ इस देश में एक है, वो है नरेंद्र मोदी, और आने वाली 23 तारीख को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। इस देश का नेता नरेंद्र मोदी है, आप क्या बोलते हैं? आप कांग्रेस के जिला प्रवक्ता KP सिंह जी हैं, बताइए। इस देश का नेता नरेंद्र मोदी नहीं, सिर्फ भाजपा के कुछ लोगों का नेता नरेंद्र मोदी, अंबानी का, अडानी का, मेहुल चौकसे का, माल्या का, इनके नेता नरेंद्र मोदी। गरीबों के नेता का नरेंद्र मोदी होते तो गैस का रेट 800 रुपये नहीं हो जाता, सब्सिडी के पैसे गरीबों के खाते में नहीं जाते। उनका कहना है गरीबों को मैंने गैस दे दी, गैस हमने गैस एजेंसियों वाले से आप बात करिए, उन्होंने कहा जब से इन्होंने गैस दिया है इसके बाद से दूसरी बार कोई भी गरीब आदमी गैस भराने नहीं आया, इतना गैस का रेट है। क्या ये गरीब के नेता हो सकते हैं? ये गरीबों की बात नहीं करते, ये तो सिर्फ कुछ लोगों की बात करते हैं। आज देश को इन्होंने बांट दिया, आज देश की ये हालत हो गई कि हमारा गरीब भाई और हम एक दूसरे से नहीं बात कर सकते, क्योंकि इनको हमने प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री देश का होता और ये एक पार्टी के नेता रह के रह गए। इस तरह के नेता को आप देश का नेता नहीं कहा जा सकता कि ये देश के नेता है। आपके देश के प्रधानमंत्री को एक पार्टी का नेता बताया, क्या इस पर क्या कमेंट करेंगे? देश की जो प्रधानमंत्री हैं, बनाया गया, जनता ने उनको बनाई, लेकिन जनता के उसमें वो खारे नहीं उतरे, जनता के जितने तत्वों से वो जुमलों में से बाजी मार गए तो वो पूरे जुमले उन्होंने पूरे किए नहीं। जुमलेबाजी के अलावा जनता के पास कुछ हाथ में नहीं लगा, पंत जो है 4 साल 5 साल के साढ़े कार्यकाल माना जाए तो सिर्फ कोरे वादे ही भाषणों पर नजर आए। आज वर्तमान स्थिति में ये स्थिति है कि आज देश में एक ऐसे आदमी युवा की ज़रूरत है, अब यो 60-70-65 वर्ष के ऊपर जो गुजर जाए उनकी आवश्यकता नहीं, आज वर्तमान स्थिति में युवा की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में एक युवा प्रधानमंत्री को बैठाना बहुत ज़रूरी है, देश को एक युवा प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। तिवारी जी, बात वही है कि अंधे के हाथ में बटेर, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिस युवा प्रधानमंत्री की ये बात कर रहे हैं, क्या पूरा देश उस युवा प्रधानमंत्री को गंभीरता की दृष्टि से देखता है? क्या देश का नौजवान, क्या देश का किसान, क्या देश का सर्वहारा वर्ग उसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जब से कांग्रेस पार्टी बनी और आज़ादी के बाद, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज आपने देश में सबसे कम आपके लोकसभा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब जब से कांग्रेस बनी उसके बाद सबसे कम सीटें इनकी आई और इस बार इनके सबसे कम कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 272 सीटें चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि इनके कितने सीटों पर उम्मीदवार लड़ रहे हैं, अगर लड़ रहे हो तो बता दें, तब इनका प्रधानमंत्री बनेगा युवा। विनोद शर्मा जी, जी सबसे कम स्थिति, सबसे खराब स्थिति 2014 में थी और इस चुनाव में सबसे कम सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप तो कम से कम ना कहो, मैं आपको बहुत अच्छा पत्रकार मानता हूँ, इनका रटा रटाया है तो इनको कहने दीजिए। आप खुद जानते हो 543 सीटों में आज भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों के 42 दलों के गठबंधन के साथ नकली जो होता है कि एक रगा सियार के जैसे उन मैदान पे निकला है।
जब आप बात करोगे इस देश में प्रधानमंत्री पद की गरिमा जब देखो केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ भी शर्मा गया है। जिस प्रकार से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता था, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी का पर्यायवाची के रूप में देश जानेगा, क्योंकि इनको देश की हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, देश के आने वाले समय से मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, राजेंद्र भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र, मान लो कोई आज नया बच्चा हो, उस नए बच्चे को ये लोग रटाते हैं, देश कब आजाद हुआ 2014 में, देश कब तरक्की किया 2014 में, देश कब आगे बढ़ा 2014 में, आप सुन, उनका बच्चा फेल, कम से कम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दो। बात रही, ये बोलते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने पहले क्यों नहीं किया, मैं पूछता हूँ, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, दुनिया में क्या विकास एक ही दिन में हो जाता है? आप पहले क्या डायरेक्ट डिजिटल में आ गए? ये तो ऐसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि इंटरनेट बाद में आया, ईमेल पहले करते हैं, एनालॉग कैमरा बाद में आया, ये डिजिटल कैमरे की पहले बात करते हैं। आप जानते हो अभी ये कुछ बघेली में बोल रहे थे, ये सीधे सीधे पिसान नहीं उड़ाते, ये सीधे सीधे हम लोगों के यहाँ एक होता था जितवा, जितवा उड़ा देते हैं, ये ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं। बात रही गंभीरता की, आप 23 तारीख को देखना, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं देश से नफरत बांटने आया हूँ, मैं मोहब्बत बांटूंगा, नफरत को मिटाने आया हूँ। ये जब बात करते हैं तो नफरत की बात करते हैं, ये जब बात करते हैं भाईचारा खत्म होने की बात करते हैं, ये जब बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, तो ये तो धर्म ये बात करते हैं। इनसे पूछिए कि बिहार में इनके कितने सांसद थे और आज ये कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे पूछिए कि ये कौन से स्टेट में ज़्यादा सीट इनकी कौन से उसमें आ रही हैं। 23 तारीख को जुमलेबाज झोला उठा करके विजय माल्या के पास चला जाएगा, 23 तारीख को इनका जुमलेबाज ललित मोदी के पास चला जाएगा, और आप देखना ये पूरा देश देखेगा कि इस देश में एक नौजवान, देश का मसीहा, इंदिरा गांधी का पोता, राहुल गांधी का बेटा, राजीव गांधी का बेटा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। आप इनसे देखना, जिस गंभीरता से आप बात कर रहे थे कि 23 तारीख को पता लग जाएगा कि जनता कितनी गंभीर है इनके नेता के लिए, इस पर एक कमेंट आपसे लेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये आपका एक आरोप है कि आपके नेता को देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। देश की जनता के बारे में ये क्या जाने? आपने देखा होगा कि जब राजेंद्र बोल रहे थे, कह रहे थे पूरा देश मोदी में हो जाएगा, ये इनकी पार्टी का नाम क्या मोदी है? ये तो मुझे ये पता था कि भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, पर जब भी ये बोल रहा है मोदी हो जाएगा, मोदी में हो जाएगा, इनको अपनी पार्टी, कौन सी पार्टी के नेता, इस पार्टी का नाम ही भूल गया। इनकी स्थिति ये हुई है कि जैसे छोटे से बच्चे को कुछ ऐसे काका गागा अंगा पहाड़ा सिखा दो, बस वो उतना ही रट्टू तेता की तरह बोलेगा। जब ये बोल रहे थे कि 1 लाख हमने उज्ज्वला दी, उसके पहले 20 लाख लोगों को उज्ज्वला ऑलरेडी इनके खुद के घर, मेरे घर, यहाँ तमाम खड़े लोग जन्मों से, जब से पैदा हुए हैं गैस में ही खाना बनता है और आज भी बनता है। सुन लीजिए, जो गैस 450 में मिला करती थी, आज उसकी कीमत 1100 रुपया है। मकान की ये बात कर रहे हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को मकान सदा से मिलता है और मिलता रहेगा जब तक कि गरीबी दूर नहीं हो जाती। ये तो बात बताएं कि 15 लाख कब आ रहा है, कब हमारे 2 करोड़ बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर है। और मोदी जैसा महा झूठा, मैंने प्रधानमंत्री को इतना निकृष्ट स्तर का आज तक नहीं देखा। एक एक मिनट में वो व्यक्ति झूठ बोलता है। अभी आपने देखा कहीं कि वो राडार, हमने कहा वो बादल आए हैं तो उड़ जाएंगे, जब वो 2014 के पहले आप देखिए, आपको याद होगा कि हमारा देश दुनिया की तीसरे नंबर की महाशक्ति 2012 में बन चुका था, ये आप सबको आपको पता होगा। लेकिन उसके बावजूद ये लगातार जुमले, ऐसा लगता है कि 2014 के बाद डेवलपमेंट हुआ। विकास एक सतत प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया है, जो एक एक करके, आप याद कीजिए कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की आबादी मात्र 30 करोड़ थी और सुई तक नहीं बनती थी। आज सुई से लेके अंतरिक्ष तक और 600 किलोमीटर नीचे पनडुब्बी की मार तक कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया है। पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश को हमने दो फाड़ा किया है। लेकिन आज यदि काउंटर ले लेते हैं तरह तरह की बातें प्रधानमंत्री के लिए आपने सुनी, अब कहने की मुझे दोबारा जरूरत नहीं है, और तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, प्रदेश में हम जिस प्रदेश में खड़े हैं वो कमलनाथ की सरकार है, यहाँ पर कर्ज माफी के मुद्दे पर आप हमेशा घेरते आए हैं इनको, और ये कह रहे हैं किसानों की कर्ज माफी हुई है और इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश की जनता वोट कर रही है, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए कविता जी सम्मानित नेता हैं, पर मुझे घोर आपत्ति है एक संवैधानिक पद पर देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के उन्होंने शब्दों का उपयोग किया,
मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। पहली चीज दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस नेता की ये बात कर रहे हैं? उस नेता का जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और पप्पू का क्या नाम है, क्या भाई, राहुल गांधी है। मैंने एक वंश ऊपर से चला है वंश और नीचे तक वंश। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस गांधी के अलावा क्या आपके पास में कोई आइडियोलॉजिकल आदमी नहीं है? क्या आपका कोई नेता नहीं है? क्या आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है? और एक ऐसा लीडर जो जिसका कोई विजन नहीं, जिसका कोई सोच नहीं, जिसको ये नहीं मालूम कि आलू ऊपर उगता है कि आलू नीचे उगता है, जिसको ये नहीं मालूम कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, ऐसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। और हमारे कांग्रेस के मित्र जो मुगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं उसकी वो परिकल्पना कर रहे हैं। ऐसे मुगेरीलाल के हसीन सपनों को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं इनको दावे के साथ कहता हूँ कि 23 तारीख को प्रचंड मतों से मोदी सरकार आएगी। रही बात इनकी सरकार थी, जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ इनको जनता ने इन्हें चुना। इन्होंने कहा कि हम प्रदेश में कर्ज माफी करेंगे। हाँ, कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा और जिस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में किसानों के साथ छलवा किया, किसानों को गुमराह किया, किसानों को चूतिया बनाया, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। ये आप देखिए, हरे पीले नीले फार्म भरा करके और किसान को आपने, किसान से तो आप वोट ले लिया। आज किसान जा रहा है, आज जब बैंक में जाता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। किसान तो किसान कहता है कि भैया मेरा ऋण माफ हुआ कि नहीं हुआ, तो बोले कि बैंक वाला कहता कि नहीं माफ हुआ, बोले क्यों नहीं हुआ, बोले कि कमलनाथ जी ने पैसा नहीं दिया, बोले कमलनाथ जी पैसा क्यों नहीं दिए, बोले कमलनाथ जी आपको इस तरह से गुमराह किए। आप काउंटर ले ले, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक बात और जी, जो शिवराज की भाई और शिवराज की चाचा की बात करते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बयान दिया है, आपने ध्यान दिया होगा कि मेरे भाई साहब ने और मेरे चाचा जी ने कोई आवेदन नहीं किया था। जब हमने आवेदन ही नहीं किया था तो माफ होने का कोई सवाल ही नहीं। मैं कभी हूँ, पहले बताया, मैं कभी साधारण कवि हूँ, कांग्रेस के नहीं है। मैं 15 लाख की बात करता हूँ। जब से सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने 14 में उन्होंने एक जुमलेबाजी की, मैं 15 लाख दूंगा। अभी उन्हें वो बात कर रहे थे, किसान माफी की बात कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की बात की वो कहाँ गई? पहले बार तो उनके पे FIR दर्ज होना चाहिए था, जनता कराना चाहिए जनता को कि आपने 15 लाख देने के वादा किया था उसको FIR दर्ज हो। अब रही कर्ज माफी की बात, तो मैं खुले तौर पर कहता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं कर्ज माफ हूँ, मेरे पास प्रमाण पत्र है। अगर ये किसान है, शिवराज सिंह के भाई का कर्जा माफ हुआ तो उसके बाद भी प्रमाण पत्र है। तो वो बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, हमने आवेदन नहीं, कर्जा माफ है, प्रमाण पत्र मेरे पास है। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि मेरे भाई का कोई झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने की आदत है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री, ये जुमलेबाजी के अलावा, गोरे भाषण के अलावा, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ये हथकंडे अपनाते हैं जुमलों से, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश में एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो आज वर्तमान स्थितियों में, जो प्रत्यक्ष स्थिति में जनता की स्थिति को, आवाज़ को समझ रही है, और आज वर्तमान स्थिति में एक युवा प्रधानमंत्री को सशक्त जरूरत है, ना कि एक जो है वृद्धावस्था। अच्छा, ये लास्ट कमेंट, आप बोल रहे हैं युवा, कितनी सीट जीत रहे हैं आप, कितनी सीट जीत रहे हैं? ये कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, अंदाजा हमारा ये है कि हम 200 के ऊपर जाएंगे। कितनी सीट? हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, भविष्यवक्ता हम नहीं हैं। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी झोला लेकर के अपने मित्र ललित मोदी और विजय माल्या के पास जा रहे हैं। 23 तारीख को भारत देश में आम जनों की सरकार बनेगी। कितनी सीट सर? देखिए, मैं इनसे एक प्रश्न मैं भी पूछ लूँ, ये बता दे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़े हैं, बस हो गया। ये बता दे कितनी सीटों पर चुनाव लड़े हैं, आपसे ज्यादा, तो मैं मान जाऊंगा कि इनकी सरकार बन रही है। बता दे, हमारे प्रश्न का ये उत्तर दे दे कि कितनी सीट पर चुनाव लड़े हैं,
ये राजनीतिक तलखियां चलती रहेंगी, तमाम तरह के मुद्दों की बात हुई। लड़े क्या मोदी आज जी? तो ये 43 सीट में चुनाव नहीं लड़ाई है, जितना इससे ज्यादा ही सीटों में मैंने लड़ा प्रधानमंत्री। ये राजनीतिक तलखियां हैं कांग्रेस और बीजेपी की, और रहनी भी चाहिए, वैचारिक मतभेद है। तरह तमाम तरह की बातें हुई, अपनी अपनी पार्टियों को सुपीरियर साबित किया इन्होंने, अपने अपने मुद्दों की बात की। अब देखना है कि 23 मई को किस तरह के परिणाम आते हैं और किसके वादे सही होते हैं, कांग्रेस की जो चाहते हैं कि युवा एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, या फिर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह देखना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।